जय श्री राधे मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ चंद्रवदनी। चंद्रवदनी भक्ति रस चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और माँ भगवती का आशीर्वाद समस्त लोगों के ऊपर बना रहे, यही माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना माँ भगवती से कामना करते हैं कि माँ भगवती का आशीर्वाद सभी पे बना रहे। और चंद्रवदनी भक्ति रस चैनल के माध्यम से आज हम जो है वृष राशि और वृष्ण लग्न की जो कुंडली है उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले आप सभी से एक ही विनती है कि आप वीडियो को लास्ट तक, अंतिम तक अवश्य देखें और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। जो चैनल में नए आए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। तो चलो अब वृष राशि के बारे में बात करते हैं। वृष राशि जो है दूसरी राशि है, 12 राशियों में दूसरी राशि है वृष राशि। और वृष राशि के लग्न की, वृष लग्न की कुंडली के बारे में बात करेंगे। तो कहते हैं वृष विलग्ने सूरा क्लेश सहिष्णु सुख रिपु निहंता गुणग्रणी ही स्याद द्रविणेन पूर्णो भक्ति विप्र गुरुणाम हिरण प्रियश्च धीरश्च सूरा प्रियवाक् प्रशांत स्याता पुरुषो यश वृषो विलग्ने। वृष राशि जो है भचक्र की दूसरी राशि है और भचक्र में इसका विस्तार जो है 30 अंश से 60 अंश तक है। इस राशि का स्वामी ग्रह जो है वह शुक्र है और इस राशि के अंतर्गत जो है कृतिका नक्षत्र के अंतिम के 3 चरण, रोहिणी के संपूर्ण 4 चरण और मृगशिरा के प्रथम 2 चरणों का समावेश इस राशि में हुआ है। कृतिका नक्षत्र का जो स्वामी है वह सूर्य है, रोहिणी राशि का स्वामी चंद्रमा तथा मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी जो है मंगल ग्रह माना जाता है। तो वृष राशि के अन्य पर्याय नाम भी हैं जैसे वृषभ, गोप, भद्र, पुंगव, गोपति, तांबूर, ऋषभ आदि। तो नव में जो इसकी आकृति है वह वृषभ की है अर्थात बैल की है। इसी कारण भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों विद्वानों के मतानुसार इस राशि का प्रतीकात्मक जो चिन्ह है वह बैल ही माना जाता है। काल पुरुष में इस राशि का स्थान जो है वह मुख है। वृषभ बैल की भांति ही इस राशि के जातकों में सुदृढ़ता होती है, पुष्टता होती है, सहिष्णुता होती है, धैर्य एवं सबलता आदि गुणों का बाहुल्य होता है। यह राशि सेवा एवं आज्ञाकारिता की भी प्रतीक मानी गई है। वृष राशि जो है स्त्री संज्ञक राशि है, लघुकाय सौम्य एवं श्वेत वर्ण वाला है, स्त्री संज्ञक है, पृथ्वी तत्व प्रधान है और रात्रि बलि है। रात्रि में इसे बल की प्राप्ति होती है, रात्रि बलि कहा गया। पृष्ठोदयी वात प्रकृति, वैश्य जाति, रजोगुणी, मतांतर तमो, उसके एक मतांतर के अनुसार तमोगुणी भी है। शांत एवं युवा अवस्था वाला है, दक्षिण दिशा का स्वामिनी इसे माना जाता है। वृष राशि को दक्षिण दिशा का स्वामिनी माना जाता है। यह राशि मुख, गला, जिह्वा, कृषि भूमि, काव्य गीत, क्रय विक्रय एवं धन संपदा आदि पर भी अधिकार रखती है। यह जो वृष राशि है इतने चीजों पर यह अधिकार रखती है। तो वृष राशि का स्वामी जो है वह शुक्र है और चंद्रमा इस राशि के 3 अंश पे, चंद्रमा इस राशि में 3 अंश पे होने से परम उच्च के हो जाते हैं और गोचर वश निरीयण सूर्य इस राशि में लगभग 14 मई से और 14 जून के मध्य संचार करते हैं, जबकि सायन सूर्य इस राशि में लगभग 20 अप्रैल से और 20 मई तक रहते हैं। प्रमुख विशेषताएं इस राशि की क्या हैं? वृष राशि का जो जातक होता है वह सामान्यतः स्थिर प्रकृति, दृढ़ निश्चयी, धैर्यवान, परिश्रमी, धर्मभीरु, उच्चकांक्षी, साहसी, सांसारिक कार्यों से आसक्त एवं कुछ स्वार्थी प्रकृति का, सहनशील, उद्यमी, आत्मविश्वासी, क्षमाशील, संगीत व सौंदर्य प्रेमी होता है।
इस राशि के जातकों की जन्म राशि एवं लग्न राशि का एक ही समान फल होता है। तो जो भी ऊपर फल बताए या वृष राशि के जातकों या वृष लग्न के जिनकी वृष लग्न है, जिनका जो लग्न में दो अंक अंकित है तो वो वृष लग्न की कुंडली कही जाती है। तो जिन जातकों की वृष लग्न की कुंडली है उनमें भी यही गुण पाए जाते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। और अभी हम 12 राशियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे और 12 राशियों में बीच में आने वाले जो भी योग हैं उन योगों के बारे में भी बात करेंगे। और बाकी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको कुछ जानकारी चाहिए होती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय माँ चंद्रवदनी।